ओके okay, uh, निमेश दादा ये सुना माय कनेक्शन इज वेरी बैड ओके 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 निमेश दादा आपने सुना ये थोड़ी बातें करो कि अच्छा अच्छा काम में क्या हो सकता है स्पेशली वेकेशन उन लोग के लिए एक मंथ एक का वेकेशन भी सबसे पहले तो वेकेशन मतलब बाहर की एक्टिविटीज से हम थोड़े मुक्त हो गए मगर अपने मन को और अपनी अंदर जो हम ज्ञान लेकर आए हैं जिसको चित्त कहते हैं चित्त वो चित्त में हम अलग अलग इंटरेस्ट लेकर आए हैं चित्त वो पिछले जन्म का हमको ज्ञान और हमारे पास पिछले जन्म का क्या हमारी समझ है वो इस जीवन में चित जिस तरह काम करता है जैसे कि मैंने मुझे इंटरेस्ट आया पिक्चर देखने में तो मेरे भीतर मैं पिछला जन्म का ज्ञान कैसा लेकर आया हूं मुझे पता चलना चाहिए मैं खाना खाने बैठता हूं तो मुझे कहाँ कहाँ खाने में कौन सी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है और कौन सी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ज्ञान हम पिछले जन्म का लेकर आए हैं और उस प्रकार चित अभी अपने आप वो कार्य करता है मतलब एक्टिव रहता है वेकेशन में बाहर से आप अभी फ्री हो गए एग्जाम दे चुके हो रिजल्ट आने का बाकी है तो मैं भीतर के भीतर की मशीनरी को कैसे बिजी रखूं, ताकि मुझे और भी आनंद बढ़े मेरे अंदर ये बहुत जरूरी है जैसे आप लोग है तो मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूं। मैं खुद के लिए कहता हूं कि मुझे एक्टिविटी नहीं है मुझे वेकेशन चल रहा है तो मुझे खाना बने खाना बनाना सीखना है क्यों यही सब्जी में राय राय का वार करते हैं क्यों ये सब्जी में जीरे जीरा यूज करते हैं ये सारी बातें अपने मम्मी के साथ बैठकर चाहे मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ तो तो कैसे बनता है और खाने को बनाने में क्या का ज्ञान यूज होता है ये वेकेशन में क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि जितना खाना बनाना आए आता आता जाए उतनी उसकी सूझ बढ़ती जाएगी अगर खाना बनाना कम आता है तो उसकी सूझ भी कम पड़ेगी कम हो जाएगी या तो कम रहेगी क्योंकि खाना बनाना मतलब बहुत बड़ा साइंस है ये आम या कॉमन साइंस नहीं है जिसको खाने बनाने में अलग 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 वेराइटी का खाना बनाना अलग अलग वैरायटी से खाना पका कर खिलाना और इस चीज में यही खाने के साथ ये सब्जी के साथ यही चीज क्यों अगर आपको समझ में आते जाए तो खाना अपनी सारी बीमारियों की मेडिसिन है जैसे आज कोई भी मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हो या कोई भी पक्षी हो एनिमल हो जब वो बीमार पड़ते हैं ना अपने आप नेचुरली वो खाना छोड़ देते हैं या तो फिर खाना वो खाते हैं जो अपने आप नेचुरली उस जो उसके अंदर जो एनिमल के अंदर या बर्ड्स पक्षी के अंदर जो खुद के शरीर में जो रोग है उस प्रकार उसको खाना अपने आप मिल जाता है खाना खाता है या तो नहीं मिलता है तो खाना खाते ही नहीं है धीरे धीरे वो डिसीज चला जाता है हम खाने के अलावा क्योंकि हमको खाना इस बीमारी में कौन सा खाना खाना चाहिए इस सब्जी के साथ क्या खाना चाहिए अगर मैंने दही खाना मुझे अच्छा लगता है तो दही के साथ और क्या नहीं खाना चाहिए या तो दही किसके साथ मिक्स करके खाऊं ताकि मेरी हेल्थ और भी अच्छी हो जाए ये सारी बातें वेकेशन में बहुत अच्छी तरह सीख पाते हो मगर दादा भगवान भी कहते थे कि जिसको खाने बनाने में और खाना पकाकर खाना खिलाने में इंटरेस्ट है उसकी बहुत अच्छी सूझ रहती है बहुत अच्छा उसके अंदर ये खाने का ज्ञान और भी स्पिरिचुअली मतलब अपन आध्यात्म में दादा का ज्ञान समझने में भी ये बहुत हमें हेल्प करते है इतना ही नहीं जब जब आप स्टडी करते हो स्टडी याद नहीं रहता है स्टडी आपको बोरिंग लगता है स्टडी आपको हार्ड लगता है कोई कोई सब्जेक्ट आपको बहुत हार्ड पढ़ते हैं अगर उसमें पहली बात है इंटरेस्ट और दूसरी बात है खाना आहार आहार दादा भगवान ने जो नौ कलम में कलम रखा है सातवीं कलम वो ऐसी फिजुल में नहीं रखा है खाना मतलब आहार और अपने मन वाणी और काया इसका कनेक्शन बहुत डीप है बहुत गहरा है इसके लिए कहते हैं दादा भगवान ने कहा अगर तू खाना खाते वक्त अगर तू प्रेजेंट है तो तेरे अंदर जो भी बीमारी है ये खाने में से ऐसी शक्तियां मिल जाएगी कि उस बीमारी को जड़ से निकाल सकती है मगर खाना खाते वक्त अगर तू खाते वक्त तू प्रेजेंट नहीं है और या तो तू खाते खाते बातें करता है खाते खाते टीवी देखता है खाते खाते आसपास देखता है तो बीमारी जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है मगर बीमारी बढ़ने की हंड्रेड परसेंट दादा भगवान ने गारंटी दिया है कि बीमारी जो है वो तो बढ़ेगी मगर दूसरी बीमारियों को भी इन्वाइट करोगे क्योंकि खाना आहार में एक ही आहार मतलब वेजिटेबल कहो गेहूं रोटी कहो अरहर दाल मतलब तुवर की दाल कहो उड़द दाल कहो, या कोई बीन्स मतलब मूंग मूट, चने ये कोई भी चीज खाते हो ना उसकी सारी शक्तियां और उस आहार में रहे सारे गुण आपको डायरेक्ट आपके अंदर आपको प्राप्त तो होते हैं मगर ये जानते ही नहीं है हम अपने ज्ञान अपना पिछला ज्ञान जो लेकर आए है और वो ज्ञान इस जन्म में काम करते ही हमको पिज्जा बहुत अच्छा लगेगा पास्ता बहुत अच्छा लगेगा खाने में कोई अर्ज नहीं है मगर वो खाना खाने के बाद मुझे हेल्थ में हेल्पफुल है या मेरी हेल्थ को और भी डल करते हैं मतलब जो मैं सुबह उठता हूं तो मैं फ्रेश नहीं उठता हूँ एकदम लेजी एकदम ड्राउनीनेस जैसा जैसे ऐसा लगे कि क्यों उठा मैं उठने के बाद आधा घंटा एक घंटा तो ऐसे ही चला जाए वापस एकदम एक्टिव होने में तो ये खाने की असर है क्योंकि खाना आहार और पानी दोनों अपने मन वाणी काया से बहुत ही कनेक्टेड है बाकी बात सूक्ष्म है हवा क्या काम करती है वो दादा भगवान को दिखाई देता है घर में कौन सा माहौल है और घर में जो माहौल है उस माहौल में खाना खाते हो तो आपके हेल्थ में क्या आपको इफेक्ट आती है ये दादा भगवान पहचान सकते हैं हम इतने हबी जागृत हुए नहीं है फिर भी आप खाना बनाते वक्त अगर आपके भाव खाना बनाकर खाना पकाकर लोगों को खाना खिलाने में आपके भाव है तो पहला वो आहार में पहला कदम ही फर्स्ट स्टेप एंड मेन स्टेप कि मुझे खाना खाते वक्त मेरा मूड बिगाड़कर मुझे खाना बनाना सीखना नहीं है दूसरी बात खाना जो मिलता है आज लौकी की सब्जी है लौकी मतलब दूधी लौकी है तूर की सब्जी है कोई भी सब्जी है तो हर सब्जी में अपने अपनी क्वालिटी है अपने अपने गुण है अपनी अपनी खुद की शक्तियां है आज हम मनुष्य में अलग अलग शरीर लेकर बैठे कहते तो मनुष्य है मनुष्य के शरीर अलग है सबके आंख अलग है नाक अलग है मुंह अलग है फिर भी सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है इसी प्रकार वेजिटेबल कहते तो वेजिटेबल ये ऐसा क्यों ये कैसे बनाऊ आए मैं क्यों इसके प्रति मुझे नहीं भाता है मैं क्यों बोलू क्योंकि एक ही बार आप मन का कहा करने लगोगे ना हर जगह मन आपको परेशान करेगा एक ही बार आप थाली लेकर बैठे आहार लेकर बैठे और आपने कहा मुझे तो भाता नहीं है मुझे तो अच्छा नहीं लगता है ये आपको कौन, कहर, कर, आपके कौन कहलवा रहा है तो क्या आपका मन कहलवा रहा है मन क्या कहता है नहीं मुझे तो ये सब्जी नहीं भाती तुरंत आप मन के साथ अटैच हो गए जुड़ गए और आपने कहा कि मुझे नहीं भाता एक ही बार गलती करने पर बार बार आपका आपके अंदर क्या प्रैक्टिस पड़ जाएगी मन का कहा ही आप करने लगोगे तब दादा भगवान ने क्या कहा मन भले ही बताए मन हमको भले ही कहे कि अच्छा है ये बुरा है ये मुझे पसंद नहीं है मुझे पसंद है जो भी कहे मगर मुझे तो दादा भगवान के ज्ञान से इस खाना बनाना सीखना है क्यों तो कि खाने में इतना ज्ञान है फिजिकली मतलब हेल्थवाइज एज वेल एज स्पिरिचुअल आध्यात्म दोनों ज्ञान ये खाना रसोई बनाने में अंदर है मगर आजकल हम लोगों में खाना बनाने की जगह आजकल हमको रेडीमेड खाना खाना पसंद हो गया है हम बना तो नहीं पाते हैं क्योंकि उतनी हमारे पास समझ नहीं है और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है तो आजकल क्या फैशन निकली है बाहर जाएंगे होटल में जाएंगे रेडीमेड खाएंगे रेडीमेड खाकर वापस घर में आकर वापस लेजी लेजी सुस्त सुस्त टीवी देखते देखते सो जाएंगे टीवी तो बात छोड़ो मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे क्योंकि आप रेडीमेड खाना पसंद करते हो तो वेकेशन में भले ही आप खाना खाने जाओ मैं मना नहीं करता होटल में भले ही जाओ मगर होटल में जाने के बाद जो ऑर्डर करते हो वो जो ऑर्डर करते हो उसमें कौन सी कौन सी चीज यूज की ताकि इतनी हमको होटल में अच्छी लगती है ऐसा क्या क्या डाला इसमें जो मसाला डोसा मैं घर पे बनाता हूं और जो मसाला डोसा मैं होटल में जाके खाता हूं क्या फर्क है क्यों घर पे मसाला डोसा मुझे पसंद नहीं आता है और होटल का क्यों पसंद आता है तो मैं पूछूं तो सही इस मसाले डोसे में क्या क्या आपने सब्जी में क्या क्या डाला है पता चले फिर भी दादा भगवान ने कहा घर का बनाया हुआ खाना आपको ज्यादा हेल्दी रखेगा विशिष्ट तो आने ही नहीं देगा और आपकी ये ज्ञान में दादा का ज्ञान में आपकी समझ और आपकी स्टडी में समझ आपकी अपने आप बढ़ जाएगी आपको कोई काम बताए और आप काम करो उसमें बड़ी बात नहीं है अपने आप आपको ही कॉमन सेंस आती जाए कि ये काम कर लो ये काम कर लो ये काम कर लो बैठने का मन नहीं होगा बार बार मोबाइल बैठ के और भी लेजी हो गए क्योंकि मोबाइल बैठ बैठ के लिखना है तो क्या है अंगूठे से लिखना है इतने हम इतने हम लेजी होते जा रहे हैं कि किसी के साथ बात नहीं करते किसी के साथ नॉलेज एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं उसके पास कौन सा नॉलेज है मैं जानू मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको बताऊं तो उसमें कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन करेक्शन होते होते मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मगर मैं ये मान लू कि मेरे पास जो नॉलेज है वो ही अल्टीमेट है और वही लास्ट है अब मुझे किसी के साथ शेयर करने की या किसी के साथ किसी के पास से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है तो धोखा खाओगे मार पड़ेगा ये चीज आप आपके मम्मी के साथ जब खाना बनाओगे ना मैं तो कहता हूं लड़की के लिए नहीं दादा भगवान तो हमें हमें आप तो पुत्रों को भी कहते थे कि आप खाना बनाना सीख जाओ आप खाना बनाना कैसे बनता है क्यों यही चीज डाला और ये चीज खाने पर अंदर क्या फायदा होता है नुकसान की बात छोड़ दो जैसे जैसे नुकसान की बात छोड़ते जाओगे और प्रॉफिट देखकर वंदन करते जाओगे तो अपने आप नुकसान कम होते जाएगा आप तो पुत्रों को भी कहा था आप सिंगोद जाओगे दादा भगवान ने हमारा हमारी जगह पसंद करके रखी थी 84 में 1984 में आप आप सभी आप तो पुत्रों को यहां पर रहना है सिंगोद में और वहां पे हमने शुरू शुरू में तो दो साल अपने आप खाना बनाया कोई कोई आटा बुनता है कोई रोटी बनाता है कोई चावल रखता है कोई तुअर की दाल दाल बनाता है किसी को सब्जी आती सब मिलके हम बनाते थे कि इतना खराब खाना बनता था मगर हम हम में से कोई भी गलती नहीं निकालते थे क्योंकि इतनी मेहनत कर करते थे ना हम लोग क्योंकि कभी मेहनत की ही नहीं थी आटा बुनने की या रोटी बेलने की या फिर चावल रखने की ऐसी कोई मेहनत की नहीं थी और इतनी मेहनत करने के बाद सभी अलग अलग मेहनत करने आ जाते थे कोई दाल रखने आ जाता था कोई चावल बनाने आ जाता था कोई दही ये करता था और मेरे जैसा आदमी जो कि कुछ भी काम का नहीं था वो सब खाना खा के मैं बर्तन धोता था सभी आपतपुत्रों पुत्रों का मैं बर्तन धोने में काम लगता था बाकी मेरे पास सेंस ही नहीं था खाना कैसे बनाना मगर जब हम खाना खाने बैठते थे हम आप तो पुत्रों में से एक भी जन खाने की मिस्टेक्स या खाने की खराब बोल ही नहीं पाते थे क्योंकि खुद को इतना मीठा लगता था क्या चपाटी बनी है क्या सब्जी बनी है मगर जैसे ही मैंने दूसरों को खिलाया ना उनका मुंह बिगड़ जाता था ये इसको सब्जी बोलते हैं ये आपको पता है ये सब्जी क्या है इसमें ना तो सब्जी है ना तो ये कच्ची है ना तो ये पूरी चढ़ी हुई है और आप बोलते बहुत अच्छी है क्योंकि बनाने में इतनी मेहनत करते थे हम लोग एक जन आटा बुनता था मगर आटा बुनने के बाद उसको बराबर पीसना पड़ता है बराबर घुमाए तो रोटी और भी अच्छी बने तो बुनने के बाद उसको बराबर गुल मिल जाए आटा अपने तेल के साथ अपने मिर्च मसाले के साथ इतनी मेहनत करे इतनी हम मेहनत करते थे बाद में सब अपना अपना खाना खाके दो घंटा कोई भी आर्ग्यूमेंट किए बिगर सो जाते थे क्योंकि खुद का खाना बनाया हुआ खुद को भाया मिस्टेक नहीं निकल पाते थे मिस्टेक होते हुए भी मिस्टेक देखते नहीं थे मैं तो एक काम करता था बर्तन धोने का कुछ भी आता नहीं था मगर ये एक खुद को कैसे एक्टिव रखो खुद को कोई भी चीज में इंटरेस्ट दिखाकर एक्टिव रखना तो अपने आप वो काम आपको अनुभव ज्ञान देकर ही जाता मगर सबसे पहले हमारे अंदर से क्या आ जाता है मुझे कंटाला आता है मुझे ये काम नहीं करना है मुझे ये अच्छा नहीं लगता है अरे मैं बहुत थक गया मुझे नहीं करना ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाती है इसके लिए दादा भगवान ने कहा वेकेशन में आप कितना इंडिपेंडेंट हो सकते हो उसकी एग्जाम दो इंडिपेंडेंट मतलब आज आपके मम्मी ने आपको खाना दिया और आपने खाना मुझे नहीं भा रहा है ऐसा खाना क्यों बनाया ये अच्छा नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो क्योंकि आपकी ही मशीनरी आपकी ही मन वचन काया आपको ना तो खाना खाने देते और ऊपर से गलती निकाल कर आपका मूड बिगाड़ते हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो बाहर से मम्मी खाना देती है वहां पे भी इंडिपेंडेंट नहीं हो खाना मुंह में रखते ही आप बोलते हो कि मुझे तो नहीं भाता है मुझे तो अच्छा नहीं लगा कितना बेकार खाना बनाया है, तो आपके भीतर वाले आपको खाना नहीं खाने देते और आप आपके भीतर वाले जो बोलते उसके कहने में आ जाते हो मतलब ना तो खाना खाते हो ना तो खाना बनाते हो और ना खाना खाते वक्त आपका मूड भी बिगाड़ कर खाना खाना पड़ता है कितनी डिपेंडेंट लाइफ है आपकी तो वेकेशन में एग्जाम दो ना एग्जाम कि चलो आज का दिन बाहर से तो पढ़ाई करना नहीं है ट्यूशन में जाना है शायद जाना हो तो तो एक घंटा जाके आए चलो आज मम्मी ने जो भी खाना बनाया उसमें मैं अपने आप मिक्स हो जाता हूं और खाना खाता हूं मम्मी ने जो भी बनाया है मुझे खाना खाना है चाहे मुझे पसंद हो या ना हो कोई बात नहीं अंदर से तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं बाहर से भले ही मैं डिपेंडेंट हूं मम्मी खाना देगी तब मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे बनाना तो आता नहीं है मिस्टेक्स निकालना आता है मगर मिस्टेक्स को सुधारना आता नहीं है मैं बना ही नहीं पाता हूं तो मुझे मिस्टेक्स दिखाने का या तो मिस्टेक्स निकालने का राइट है अगर राइट है तो मिस्टेक्स को कैसे मैं करेक्ट करूं वो ज्ञान है नहीं है तो कौन सा ज्ञान है मिस्टेक्स निकालकर कंप्लेन करने का नहीं नहीं मम्मी ने बेकार खाना बनाया ये है आप भले ही से हो, मगर अंदर से तो इंडिपेंडेंट होते जाओ कि भाई अंदर वाले बोलेंगे नहीं आज मुझे घर पे ही खाना खाना है चाहे मुझे कौन सा खाना नहीं पसंद है तो आजकल के बच्चे को ज्यादातर खिचड़ी पसंद नहीं होता है पिज्जा पसंद है पास्ता पसंद है ये है क्या क्या है बर्गर फला ये बोल मोटा पाव छोटा पाव पतला पाव लंबा पाव क्या क्या वेराइटी है पाव भाजी वाला पाव अलग वड़ा पाव वाला पाव अलग बर्गर वाला पाव अलग अरे इतना अलग एक मोटा पाव एक लंबा पाव एक छोटा पाव अरे क्या वेराइटी? फिर भी वो पाव मुझे अच्छा लगता है और मम्मी की बनाई हुई रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है तो पांव में मैदा है और रोटी में गेहूं है बहुत फर्क है इसके लिए अंदर से इंडिपेंडेंट जैसे जैसे होते जाओगे तो बाहर का डिपेंडेंट आपको बोधरेसन नहीं दे पाएगा बाहर का डिपेंडेंट भले ही हो क्योंकि बाहर का डिपेंडेंट बाहर के शरीर के साथ है और अंदर का डिपेंडेंट पूरा अपना जीवन चबा जाता है चूस लेता है। ठीक है बेटा ज्यादा बात कर ली मैंने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड oh, uh, देव आपका क्वेश्चन था हाँ बोलो हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि